मुरादाबाद जनपद में 26 अप्रैल को ग्राम प्रधान का मतदान किया जाएगा। इससे पहले सभी ग्राम प्रधान प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत बीजना से ग्राम प्रधान पद हेतु दौलत सिंह यादव उर्फ बाबूराम यादव चुनाव लड़ रहे हैं। दौलत सिंह यादव ने पूरे क्षेत्र में जनसंपर्क किया और अपने हक में वोट करने के लिए अपील भी की। श्री यादव का कहना है कि पहली बार ग्राम प्रधान पद के लिए वे चुनाव लड़ रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि वे अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि क्षेत्र में काफी समस्याएं हैं। बिजली, पानी, सड़क के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए वे प्रयास करेंगे। मुझे सभी ग्रामवासी भरपूर योगदान और सहयोग दे रहे हैं और सभी के सहयोग की बदौलत मैं चुनाव जीत लूंगा। सिरी चैनल से बात करते हुए दौलत सिंह यादव उर्फ राम बाबू यादव ने बताया कि 26 अप्रैल को होने वाले मतदान में सभी ग्रामवासी चुनाव चिन्ह चूड़ी पर मोहर लगा कर उन्हें कामयाब बनाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साहब राम बाबू दौलत सिंह है। और ये कौन सा गांव पड़ता है और आप किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? मैं प्रधानी पद के उम्मीदवार हूँ। ग्राम पंचायत बीजना बोली जाती है, पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता का प्यार मिल गया है, आगे ही मिलेगा। और जनता का अगर प्यार भरपूर मिलता है और 26 तारीख को चूड़ी के निशान पर मोहर लगाकर मुझे कामयाब अगर बना दिया तो मैं जनता की सेवा करूँगा। और जैसे प्रधानमंत्री योजना है, मुख्यमंत्री योजना है, उन्हें अपना टाइम पर सब गरीबों का वितरण करूँगा। सब जगह आप जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा सहयोग दे रहे हैं ग्रामवासी? ग्रामवासी ठीक सहयोग दे रहे हैं, बढ़िया सहयोग दे रहे हैं मेरे साथ में। पहले जब ये सीट में कितने लोग खड़े थे और इस बार कितने लोग खड़े हैं? पहली बार 24 उम्मीदवार थे, अब के 11 उम्मीदवार हैं। जी, आप अपनी जीत को लेकर कितना संतुष्ट हैं? मैं 95% संतुष्ट हूँ, बाकी ईश्वर जाने। ईश्वर मुझे अगर विजयी बनाएगा तो मैं सब जनता की सेवा करूँगा।